वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। निकाय चुनाव के नजदीक आते ही अब आबकारी विभाग की पुलिस भी अलर्ट होती नजर आ रही है। बात की जाए तो मेरठ में जिला आबकारी अधिकारी आलोक कुमार के नेतृत्व में शराब माफिया के खिलाफ एक अभियान चलाया गया है, जिसमें आबकारी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। मेरठ के थाना बाजार के सर्कुलर रोड पर बांस वाली कोठी के पास एक कबाड़ी की दुकान पर आबकारी विभाग की टीम ने दबिश दी है। दबिश के दौरान कबाड़ी की दुकान के अंदर से सैकड़ों ब्रांडेड कंपनी के शराब के ढक्कन व रैपर बरामद हुए हैं। वहीं 4,500 से अधिक शराब की खाली बोतलें व पव्वे भी बरामद हुए हैं। मौके से एक आरोपी को भी पकड़ा गया है। वहीं इस मामले में जिला आबकारी अधिकारी आलोक कुमार ने बताया कि पकड़े गए आरोपी का नाम कमल राठौर है, जिसने थाना सदर क्षेत्र में सर्कुलर रोड पर कबाड़ी की दुकान की हुई थी। दुकान में दबिश के दौरान अंदर से भारी मात्रा में नकली शराब बनाने के लिए ब्रांडेड शराब के रैपर, ढक्कन व खाली बोतल व पव्वे बरामद हुए हैं। आरोपी ने दिल्ली से लेकर वेस्ट यूपी तक नकली शराब बेचने का अपना नेटवर्क चला रखा था और निकाय चुनाव के नजदीक आने पर भारी मात्रा में नकली शराब की खेप तैयार कर रहा था, मगर उससे पहले ही आबकारी की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पूरे नेटवर्क में कौन कौन लोग जुड़े हैं, उन सभी की लिस्ट बनाकर बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। देखिए जिला आबकारी अधिकारी आलोक कुमार से मिली जानकारी। जी सर, आज एक्साइज ऑफिस की टीम ने थाना सदरवाल क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। उसमें क्या है सर, कितना माल पकड़ा गया है, क्या क्या चीज बरामद हुई है वहां से और किसके पास से पकड़ा? ये एक कबाड़ी है करके, इसके यहाँ से शिकायतें आ रही थी कि ये जो है लोगों को विभिन्न ब्रांडों के खाली ढक्कन और पव्वे सप्लाई कर रहा है अवैध रूप से, जिसको अवैध शराब ये बनाने वाले प्रयोग कर रहे हैं। तो इसकी मुखबिरी कराई गई और मुखबिरी कराने के बाद आज जब प्रतिश करी गई तो उसके यहाँ से हजारों की संख्या में खाली ढक्कन बरामद हुए और लगभग 4,500 खाली पव्वे बरामद हुए, नए पव्वे हैं। सर, कौन कौन सी ब्रांड के से ढक्कन पैक हुआ जो मिले हैं उसे बता दीजिए। इसमें है इंपीरियल ब्लू है, मैकडावल है, राइस बैग है, फिंगर फ्राइड है, 100 फाइबर के भी हैं, लॉक फोर के भी हैं, इसके अलावा वेव के भी थोड़े से ढक्कन मिले हुए हैं। तो इस तरह से ये देसी और अंग्रेजी दोनों के ढक्कन बेच रहा है। कुल मिला के सभी ब्रांड हो गए वहाँ ढक्कन मिले हैं सर? हाँ, जितने मशहूर ब्रांड है जो मेरठ जनपद में मशहूर है या प्रदेश में मशहूर है, इनके ब्रांडों के खाली ढक्कन बरामद हुए और नए ढक्कन। सर, पौवे जो बता रहे हैं आप, जो पौवे मिले हैं वो कौन से ब्रांड के पौवे? ये करीना और दिलदार दो ब्रांड के पौवे एक जैसे हैं। ये करीना के भी हो सकते हैं, दिलदार के भी हो सकते हैं, इनको जो है मिलाएंगे हम लोग तो जल्दी पता लग जाएगा। सर, आज आपकी टीम है थाना टीकलेगढ़ क्षेत्र में भी कुछ बरामद हुआ है, वहाँ क्या क्या बरामद हुआ मालूम चला कि वहाँ से हरियाणा के मार्ग का भी बरामद हुआ? हाँ, आज टीपी नगर में जो है निम्बो अकेडमी पर तबीयत की गई थी, तो निम्बो ने एक लड़के को हायर करके वहाँ से शराब भिजवा रही थी, उसमें हरियाणा के और उत्तर प्रदेश राज्य के दोनों के ही पौवे बरामद हुए हैं। ये 65 पौवे हैं, जिसमें ये 50 पौवे हरियाणा के हैं और 15 उत्तर प्रदेश के। इसकी भी छानबीन चल रही है। उसमें कुछ लोग पकड़े गए सर? हाँ, दो लोग गिरफ्तार हुए हैं और कबाड़ी भी गिरफ्तार है इस समय। कबाड़ी का नाम क्या सर? रोहित राठौर। अभी के लिए इतना ही। हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट राइट टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वर्धमान एकेडमी एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लासेस फ्रॉम नर्सरी टू 12th, स्मार्ट क्लासरूम्स, वाईफाई कंप्यूटर लैब, एडवांस्ड मैथ्स एंड साइंस लैब्स, वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी, बेस्ट एनवायरमेंट फॉर गेम्स, योगा एंड म्यूजिक। वर्धमान एकेडमी, रेलवे रोड, मेरठ।